निर्वाचन पदाधिकारी और इस मंच के अध्यक्ष और सचिव महोदय, उपस्थित सभी सम्मानित हमारे नागरिकगण, आज के डेट में पहले माना जाता था कि दिव्यांगता जो है वो एक समाज से बिल्कुल कटा हुआ लोग के एक कैटेगरी को बनाता था, लेकिन सरकार की नीतियों ने और हमारे कुछ जागरूक समाज सेवियों ने इस बात को सुनिश्चित किया है। आप भी उतने ही बराबरी से, उतनी ही ताकत से समाज के निर्माण में लग सकते हैं जितना एक सामान्य व्यक्ति करता है। इसी क्रम में इलेक्शन में जैसा इन्होंने बताया कि बहुत सारे आपके लिए प्रावधान किए गए हैं और आपको समाज में सुनिश्चित करने के लिए बराबर की भागीदारी सुनिश्चित करने की प्रावधान, कई तरह से आपके जो परिस्थितिवश जो आपके कहीं पे किसी हिस्से में कमजोरी है, जिस वजह से आप उस हिस्से के कारण बराबरी नहीं कर पाते हैं लोगों की, तो उसके लिए भी कई तरह के एड डेवलप किए गए हैं। जैसे बहुत पहले आज से 20 साल पहले यह बुरिया लेक का नाम सुना होगा आपने, और हमको एक पिक्चर हमारे पास अभी नहीं है, एक वीडियो हम दिखाना चाह रहे हैं, है नहीं। हमारा भगीना जो है उसका ये दोनों पैर ट्रेन के एक्सीडेंट बिल्कुल कट गया, मैंने ऑलमोस्ट कटा हुआ था, पूरा ये मांस जो है निकला हुआ है, वो स्प्रिंग पे अपना काम कर रहा है, बिल्कुल हमारी तरह चलता है। तो कई तरह के एड आ गए और आज उसका जो बिजनेस है, इतनी मेहनत करता है वो आदमी, आप लोग टीवी में भी देखे होंगे, राघव इंडस्ट्री का, राघव इंडस्ट्री उसी का, जितना उसने काम किया और इंडिपेंडेंट, हमने ना उसको कोई सपोर्ट किया, ना किसी उसके परिवार वाले सपोर्ट किया, अकेले अपने अकेले बूते पर उसने इतनी बड़ी संस्था खड़ी की। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे हैं। अभी एक प्रोग्राम देख रहे थे टीवी में, इसने एक महिला है हरियाणा की, उसने गोला फेंक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, ऐसे ही बैठे बैठे चल नहीं सकती। मेरे कहने का मतलब ये है कि क्षमता सब में उतनी है, तो उसको प्रयोग करने की जरूरत है, उसको उपयोग करने की जरूरत है। ये नहीं समझना है कि हम दिव्यांग हैं तो हमको हम कुछ नहीं कर सकते, ये हीन भावना बिल्कुल नहीं लाती। उस लड़के का तो एग्जाम्पल हमारे सामने पढ़ा है, वो सब कुछ किया, ट्रेन में एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद हम लोग समझ गया कि इसका लाइफ तो गया, लेकिन उसने लाइफ गया नहीं, उसने दूसरे का लाइफ बनाया। आज 200 आदमी उसके अंडर में काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं पूरे बिहार में उसकी संस्था।